नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्निकल अस्त में और मैं हूं किशन चंद। दोस्तों इस वीडियो में हम आपके लिए कहते हैं स्पेस डिफेंस और इंटरनेशनल खबरें। दोस्तों ये पे जो पहला अपडेट निकल के आ रहा है वो आ रहा है MiG-29 को लेकर। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि नौसेना के एक समुद्री नौसैनिक विमान MiG-29 के ड्रॉप टैंक गिर जाने के बाद गोवा हवाई अड्डे पर उड़ान कुछ देर के लिए रोकनी पड़ी। नौसेना प्रवक्ता कैप्टन DK शर्मा ने बताया है कि MiG-29 के विमान से ड्रॉप टैंक तब गिरा जब वो उड़ान भर रहा था। जैसे ही वह आसमान की ओर उड़ा तभी उसका ड्रॉप टैंक विमान से अलग हो गया। दोस्तों आपको बता दें कि ड्रॉप टैंक यानी कि विमान में अधिक ईंधन ले जाने के लिए उस पर एक अलग से एडिशनली ड्रॉप टैंक लगाया जाता है ताकि विमान अधिक देर तक उड़ान भरता रहे। MiG-29 के विमान को किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ है और इसका पायलट भी सुरक्षित है। दूसरे में जो अगला अपडेट निकल के आ रहा है वो आ रहा है अमेरिका को लेकर। दोस्तों अमेरिका ने भारत के साथ आम ड्रोन देने के साथ साथ कई अत्याधुनिक हथियार देने पर भी सहमति जताई है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि आतंक के खिलाफ भारत की लड़ाई में अब अमेरिका साथ में खड़ा है। इसके लिए अमेरिका न केवल तकनीकी बल्कि अत्याधुनिक हथियार भी भारत को देगा। दोस्तों आपको बता दें कि ट्रंप प्रशासन ने भारत को विशेष आम ड्रोन दिए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। साथ ही एयर एंड मिसाइल डिफेंस सिस्टम देने का प्रस्ताव भी भारत के सामने रखा है, जिसका उद्देश्य है भारत की सैन्य क्षमता में बढ़ोतरी करना और हिंद प्रशांत क्षेत्र में दोनों देशों के हितों में सुरक्षा के इंतजामों को बढ़ाना है। दोस्तों आपको बता दें कि व्हाइट हाउस के एक प्रवक्ता ने कहा है कि ट्रंप प्रशासन अपने सबसे अच्छे हथियार और अत्याधुनिक सुरक्षा प्रणाली भारत को देने के लिए तैयार है। जून 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच हुई बैठक के बाद अमेरिका भारत को गार्डियन सर्विलांस ड्रोन बेचने के लिए तैयार हो गया था। इस ड्रोन में काफी ऊंचाई से जमीन और समुद्र की छोटी वस्तुओं को देखा जा सकता है और आम ड्रोन से इन वस्तुओं और व्यक्तियों को निशाना बनाया जा सकता है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के सीमावर्ती इलाकों में अमेरिका ने इन ड्रोन के जरिए बड़ी संख्या में तालिबानी आतंकियों को मारा था। भारत पहला गैर नाटो सहयोगी देश है जिसे अमेरिका मानव रहित सी गार्डियन ड्रोन देगा। दोस्तों आपको बता दें कि ट्रंप प्रशासन ने गार्डियन ड्रोन के आर्म्ड वर्जन को भारत को देने का फैसला कर लिया है और इस बात पर मोहर भी लगा दी है। अब कितनी संख्या में वो हमको मिलेंगे इसके बारे में अभी कोई जानकारी हमारे पास नहीं है, लेकिन सूत्रों के अनुसार भारत की जरूरतों के हिसाब से सौदे का आकार देखा जाए तो करीबन $2.5 अरब करीबन 17,000 करोड़ रुपए का ये सौदा हो सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे कुल मिलाकर ये समझ सकते हैं कि अगर ट्रंप प्रशासन हमको आम ड्रोन देने की तैयारी कर रहा है तो इसके पीछे जो सबसे बड़ी वजह है हिंद प्रशांत क्षेत्र में एक तरह से चीन के प्रभाव को रोकना। दूसरे पर जो अगला अपडेट निकल के आ रहा है वो आ रहा है भारतीय सेना को लेकर। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि जम्मू डिवीजन के आयुक्त संजीव वर्मा ने कहा है कि इंटरनेशनल बॉर्डर यानी कि IV के साथ साथ LOC में बंकर निर्माण की प्रक्रिया चल रही है और इसके लिए वे एक समीक्षा और बैठक भी कर रहे हैं। अधिकारी ने कहा कि 10,000 बंकरों का निर्माण सीमावर्ती जिलों जैसे कि जम्मू, कठुआ, सांबा, रजौरी और पुंछ में किया जाना है। उन्होंने कहा कि इस साल तक इन सभी जिलों में 2,500 से अधिक बंकरों का निर्माण किया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि PWD यानी कि लोक निर्माण विभाग और ग्रामीण विकास संगठन द्वारा इसे बनाया जा रहा है। उन्होंने बंकरों के निर्माण के लिए प्रभावी रूप से निर्देश भी दिए हैं। कोई इंजीनियर अगर खराब प्रदर्शन करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए हैं। दूसरा मुझे अगला अपडेट निकल के आ रहा है वो आ रहा है भारतीय सेना को ही लेकर। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि अब भारत के पास पाकिस्तान की तुलना में काफी बेहतर स्नाइपरें आ चुकी है। सेना ने बेहतर स्नाइपर राइफलों की एक बेहतर खरीद की जो कि बेहतर रेंज, मारक क्षमता और जिनकी टेलीस्कोपिक साइट भी बहुत ही बेहतर है। दोस्तों आपको बता दें कि ये कदम तब उठाया गया था जब पिछले साल पाकिस्तानी स्नाइपरों द्वारा हमारे 6 सैनिक मारे गए थे। दोस्तों आपको बता दें कि बैरेट M95.50 BMG और बेरेटा स्कॉर्पियो TGT विक्टोरिया और 338 लापुआ मैग्नम नामक नई राइफल्स को हाल ही में LOC पर कुछ इकाइयों में शामिल किया गया था ताकि वो पाकिस्तान द्वारा प्राप्त किसी भी तरीके का जो प्रॉफिट लेने की कोशिश करते हैं हमारे सैनिकों को मार करके उसको रोका जा सके। दोस्तों आपको बता दें कि अब तक पाकिस्तानी स्नाइपरों के पास बेहतर राइफलें थी रेमिंगटन जो कि 1.5 किलोमीटर से अधिक रेंज वाली थी। नई राइफल की मारक क्षमता 1.5 किलोमीटर से लेकर 1.8 किलोमीटर तक है। अधिकारियों ने शनिवार को कहा कि स्थिति की गंभीरता को समझते हुए उत्तरी कमान में कम से कम 30 नई राइफलों की तत्काल खरीद की गई और आपात आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए इन्हें उत्तरी कमान के प्रमुख को दी गई है जिनके पास स्पेशल पावर्स भी हैं। जी हाँ, अमेरिका निर्मित बैरेट लगभग 1800 मीटर की सीमा है जबकि इटली निर्मित बेरेटा की मारक रेंज 1500 मीटर से अधिक है। इन दोनों राइफलों का बड़े पैमाने पर कई देश उपयोग कर रहे हैं। दोस्तों आपको बता दें कि इस वक्त भारतीय सेना को 1200 मीटर से अधिक रेंज के साथ लगभग 5800 स्नाइपर राइफलों की आवश्यकता है और इसके लिए RFI भी 2016 में दे दिया गया था जबकि दोस्तों अभी भी ये प्रक्रिया जारी है। सूत्रों ने कहा कि उत्तरी कमान ने LOC पर जमीनी हालात को देखते हुए इनकी आपातकाल खरीद की है। अधिकारियों ने कहा कि 5800 राइफलों की खरीद सभी 382 पैदल सेना बटालियनों के लिए होगी जिनमें से प्रत्येक को 10 स्नाइपर राइफलों को देने की मंजूरी होती है जो हथियार के विशेष प्रशिक्षण और प्रकृति को देखते हुए
ऐसा किया जाता है। हालांकि विशेष बल इकाइयां जो इंडिया की स्पेशल फोर्सेस है वो इजरायली ग्लिफ राइफल का भी इस्तेमाल करती हैं, जो कि काफी उन्नत स्नाइपर राइफल है। इसके अलावा अब फिनिश साइको स्नाइपर राइफलों जिनकी मारक क्षमता 2200 मीटर से अधिक है उसको भी अब शामिल किया जाना है, वो भी मतलब एक तरह से प्रक्रिया में है। दोस्तों अब अगला अपडेट निकल के आ रहा है, वो आ रहा है F-21 को लेकर। दोस्तों अभी तक अमेरिका के F-21 को लेकर काफी सारा विवाद हो रहा था कि क्या पता इस विमान को लेना नहीं चाहिए या लेना चाहिए, काफी सारी चीज़ें। लेकिन अब फाइनली जो बात अभी हमारे सामने आ रही है उसमें ये कहा जा रहा है कि शायद F-21 के लिए भारत सरकार मंजूरी दे सकती है। दोस्तों आपको बता दें कि फ्रांसीसी राफेल लड़ाकू विमान के बाद भारत अमेरिकी F-21 विमान की खरीद पर अपना मन बना रहा है। ऐसा पता चला है कि फाइलें अंतिम हस्ताक्षरों के लिए यानी कि साइन के लिए तैयार हैं और ऐसा माना जा रहा है कि क्या नए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इसको फाइनल करेंगे अभी इस बारे में कुछ पता नहीं चला है। सूत्रों ने कहा है कि साउथ ब्लॉक में F-21 फाइल लोकसभा चुनाव से पहले पूरी हो गई थी। F-21 निर्माण कंपनी लॉकेट मार्टिन ने भारत को आश्वस्त किया है कि वो लड़ाकू विमानों का उत्पादन भारत में ही करेगी। साथ ही इसमें दावा किया गया था कि स्थानीय आपूर्तिकर्ता से मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत घटकों को बनाने और विमान को इकट्ठा करने की बात भी लॉकेट मार्टिन कर रहा है। कुल मिलाकर दोस्तों आपको बता दें कि 7 वैश्विक सैन्य विमानन कंपनियों ने भारतीय वायुसेना के 110 लड़ाकू जेट के उत्पादन के लिए एक निविदा यानी कि टेंडर की दौड़ में है। दोस्तों आपको बता दें कि यही नहीं, अमेरिका की एक और फर्म जो कि बोइंग है वो भी ऑर्डर के लिए प्रतिस्पर्धा यानी कि कॉम्पिटिशन कर रही है। जाहिर तौर पर बोइंग ने रक्षा मंत्रालय को भी बताया कि वह भी अपना विमान भारत में बनाने के लिए तैयार है। दोस्तों आपको बता दें कि F-21 के लिए क्यों आगे बढ़ रहा है, इसके पीछे एक बड़ा स्ट्रेटेजिक कारण भी है। दोस्तों ऐसा कहा जा रहा है कि आवश्यकताओं के अनुसार F-21 में कई बदलाव किए जाएंगे। इसके इंजन में एक उन्नत थ्रस्ट सेटिंग है जो कि इसकी हाई स्टैंड ऑफ क्षमता यानी कि अधिक दूरी की मिसाइल दागने की क्षमता और कम ईंधन के इस्तेमाल से अधिक समय तक रह सकती है। अब ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप, लॉकेट मार्टिन या बोइंग में से किसकी सिफारिश भारत में करेंगे। दोस्तों आपका F-21 के बारे में क्या कहना है आप जरूर हमें कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताएं। दोस्तों अगर आपका वीडियो संबंधित कोई प्रश्न या आपका कोई जवाब है जरूर हमें कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताएं। साथ ही दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और वीडियो को लाइक और डिसलाइक करना भी नहीं। धन्यवाद दोस्तों अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए। टेक्निकल अस्त को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और हमारे वीडियोस की लेटेस्ट जानकारी पाएं।